बच्चे और ख़वातीन पर, दवाखानों पर, मसाजिद पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। गैर इंसानी हरकत हो रही है वहाँ पर, उसी के लिए हम तमाम लोग, तमाम गुलबर्गा के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मिली ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल और आपके पॉलिटिकल, तमाम जमातों ने मिलकर एक तय किया, इरादा किया कि गुलबर्गा ऑल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक मेमोरेंडम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया जाए, गुलबर्गा वालों की जानिब से, कि जो जंगबंदी चल रही है उसको जल्द से जल्द रोका जाए। This video is presented by Mohammedi Furniture, where luxury meets affordability. Explore a range of sofas, beds, tables, chairs, and more at Mohammedi Furniture to elevate your home with comfort and style, making your dream home a reality. आज का जो ये मुजाहरा है, ये हमारे जज्बात हैं। 11,000 के करीब लोगों की शहादत हुई है गाज़ा में। हम ये समझते हैं कि पूरे गुलबर्गा शहर को हम इस एहतजाज में शरीक होने के लिए दावत नहीं दे पाए, क्योंकि इस गुलबर्गा के तमाम तर लोगों के एहसासात फिलिस्तीनियों के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के एहसासात और ख़ास करके हमारी हुकूमत जो टू नेशन पॉलिसी के लिए हमेशा से कोशां रही है, उसके एहसासात भी फिलिस्तीनियों के साथ हैं। इन एहसासात का सही तौर पर मुजाहरा और इजहार आज के इस इजलास में हम जो करना चाह रहे हैं वो कुछ हद तक ही हो पाया है, क्योंकि कई सारे लोगों को हम लोग बुलाना चाहते थे, कुछ पाबंदियां रहने के सबब हम लोग नहीं कर पाए। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में एक अहम इजलास के का जो है इनेकाद यहाँ पर गुलबर्गा शहर में मुनक़िद करके आप तमाम तर गुलबर्गा शहरियान को मदऊ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उस इजलास में आप तमाम की शिरकत होगी और हम सभी इंसानियत के हामियों का एहसास उस इजलास के ज़रिए मंजर-ए-आम पर आएगा। आज यानी कि 13 नवंबर को एक कॉल दी गई थी गुलबर्गा ऑल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। ये कॉल इसलिए दी गई थी, ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा गया था डीसी ऑफिस के सामने, कि जो जुल्म बर्बरियत फ़लस्तीन में चल रही है इसराइल की जानिब से, उसकी मुखालिफत में, उसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बच्चे और ख़वातीन पर, दवाखानों पर, मसाजिद पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। गैर इंसानी हरकत हो रही है वहाँ पर, उसके ख़िलाफ़ में हमने यहाँ के इंतज़ामिया से गुजारिश की थी गुज़श्ता हफ्ते, उन्होंने कुछ लिमिटेड लोगों के लिए यहाँ पर इजाज़त दी, उसी के लिए हम तमाम लोग, तमाम गुलबर्गा के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मिली ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल और आपके पॉलिटिकल, तमाम जमातों ने मिलकर एक तय किया, इरादा किया कि गुलबर्गा ऑल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक मेमोरेंडम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया जाए, गुलबर्गा वालों की जानिब से, कि जो जंगबंदी चल रही है उसको जल्द से जल्द रोका जाए। और हमेशा से ये बात नोट करने की है कि हिंदुस्तान का मौक़िफ क्लियर रहा है आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जितने भी सरकारें हमारे पास आई हैं मरकज़ में, तमाम के तमाम फ़लस्तीन के साथ रही है और फ़लस्तीन का खुलकर साथ दिया है। फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये पिछले हमारा मुल्क आज़ाद होने से पहले का इशू है। अब आप अगर नक्शा निकाल कर देखेंगे पूरी दुनिया का, तो उसके अंदर 1948 में आपको कहीं भी इसराइल का जिक्र नक्शे में, वर्ल्ड मैप में नज़र नहीं आएगा। उसके बावजूद भी हमारा डिमांड क्या है, आज जो हम प्रोटेस्ट किए इसकी बुनियादी वजह क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो बर्बरियत इंसानियत के खिलाफ, जो जेनोसाइड हो रहा है, जो निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, गैर इंसानी हरकत की जा रही है, वो गैर इंसानी हरकत को रोका जाए। इंसानियत के नाम पे वार क्राइम, जो जंग में भी कुछ उसूल होते हैं, जब्ते होते हैं, उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके खिलाफ में भी यूएन आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि यूएन असेंबली में ये भी पास हुआ रेजोल्यूशन कि 127 ममालिक जो है ना यूएन असेंबली की जंगबंदी के लिए आवाज़ उठाने के बावजूद भी किसी ने, अभी तक जंगबंदी नहीं रुक रही है। मैं इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, मेरी जानिब से, मेरी जमात की जानिब से, तमाम शहरियान गुलबर्गा की जानिब से। और पुरजोर अल्फाज में ये कहूँगा कि जितना दिन फ़लस्तीन लड़ रहे हैं, जितने सालों से, उनको आज़ाद कराया जाए, उनको आज़ादी दी जाए, उन्हें बसाया जाए। दोबारा जो हालत, जिस अंदाज से हालत की गई है, ये अल्फाजों में बोलने के काबिल नहीं है। और जो केमिकल जो इस्तेमाल हुए हैं, फॉस्फोरस जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है, ये तो बहुत ही इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये तो घनौना मजाक है तमाम इंसानियत के लिए। मैं मजम्मत करता हूँ जितने लोग भी उसके अंदर शहीद हुए हैं, जितने ख़वातीन, जितने बच्चे,
जितने मुल्क के लोग उसके अंदर शहीद हुए हैं उनकी मैं मजम्मत करता हूं, और ये बर्बरियत को जल्द से जल्द रोका जाए। हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत वाला मुल्क है। मैं हमारे यहाँ के जिम्मेदारों से, खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूँ ये चैनल के जरिए कि जल्द से जल्द इसके अंदर मुदाखलत कर वो जंगबंदी को रोकने की कोशिश करें। शुक्रिया। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मोहम्मदी फर्नीचर, वेयर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी। एक्सप्लोर अ रेंज ऑफ सोफास, बेड्स, टेबल्स, चेयर्स एंड मोर एट मोहम्मदी फर्नीचर टू एलिवेट योर होम विद कंफर्ट एंड स्टाइल, मेकिंग योर ड्रीम होम अ रियलिटी।